Okay. Good morning, everyone. This is Anil Kumar Singh, again with a new topic of MS Word for the class in 9th and 12th as well. We are going to study new topic which is very important in our MS Word chapter. This topic is mail merge. This topic is very important just because which document we have write on the MS Word, and if we needed to send it multiple person in our list, that's why we have to use this point, mail merge. Mail merge is used for mailing your document to the required person. For example, एक छोटा सा बहुत example लेता हूँ मैं आपका. एग्जाम्पल के तौर पे आप एक मॉल के मालिक हो, बेसिकली हो नहीं, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि आप एक मॉल के मालिक हो. आपको अपना मॉल ओपन करना है या बंद करना है, इसके लिए आपको एक सर्कुलर पास करना है. एक ऐसा सर्कुलर कि मान लीजिए कि जैसा आजकल लॉकडाउन में हो रहा है, सैटरडे संडे आपका पूरा मॉल ऑफ है, तो क्या है अचानक मुझे एक सर्कुलर पास करना है, नहीं सैटरडे को आना है, किसी ना किसी रीज़न की वजह से आना है, तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट फाइल बनाऊँगा, एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाऊँगा जिसमें मैं पूरा अपना ब्यौरा लिख लूँगा. मैं उसे डिटेल ये बताऊँगा कि विद दिस रीज़न वी हैव टू कलेक्ट ऑन इन मॉल, अदरवाइज देर आर सो मैनी रीजन्स टू कलेक्ट. सॉरी, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि मॉल में एक छोटी सी मीटिंग है, वी हैव टू कलेक्ट फॉर अ मीटिंग, दैट्स वी कैन प्लान आवर फ्यूचर ट्रेंड्स और कैन से फॉर द फ्यूचर गोल्स. सो वी हैव टू सर्कुलर अ मैसेज टू एवरी वन. तो वी हैव टू ऑप्शन. फर्स्टली वी हैव सर्कुलेट दिस मैसेज इन ऑन व्हाट्सएप, बट व्हाट्सएप इज नॉट द फॉर्मल वे टू सर्कुलेट योर मैसेज टू योर कलीग, टू योर को वर्कर्स एक्सेट्रा. इट इज़ द फॉर्मल मैसेज. एक तरीके से ये ऐसे फॉर्मल मैसेज होते हैं जो बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. आप एक मॉल के मालिक हैं, आपके सबको बताना है कि हाँ आपको सैटरडे को आना है, देयर इज अ मीटिंग, सो वी कैन यूज द मेल मर्ज. देर आर सो मैनी फंक्शन यूज इन द मेल मर्ज इन MS Word. उस फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी अपनी नेक्स्ट PPT क्लास में. मैं इसके साथ ही PPT क्लास भी अभी एड ऑन करने वाला हूँ, पर मैं पहले समझाना चाहता हूँ व्हाट इज मेल मर्ज. एक तरीके से आपके MS Word का मेन मेन्यू का फिफ्थ ऑप्शन है ये. जैसे हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं ना, होम, देन इंसर्ट, देन पेज लेआउट, देन रेफरेंसेज, आफ्टर रेफरेंसेज मेलिंग ऑप्शन इज अवेलेबल. ठीक है, उस मेलिंग ऑप्शन के अंदर ही आपका ये मेल मर्ज ऑप्शन अवेलेबल रहता है. चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग PPT क्लास में, क्योंकि PPT क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज मेल मर्ज. ओके, चलिए आइए PPT क्लास के लिए. तो स्वागत है आप सभी का PPT सेशन में. अभी तक हम लोग बोर्ड पे स्टडी कर रहे थे, तो अब हम PPT पे आ गए हैं. PPT पे हम लोग आराम से देख पाएंगे कि हम लोग मेल मर्ज के बारे में क्या क्या बात कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द PPT सेशन. तो फर्स्ट PPT इज मेल मर्ज फीचर ऑफ द MS Word. एक्चुअली हाँ, मेल मर्ज एक फीचर है MS Word का ही है. MS Word ने इसे लॉन्च किया था कि आपको अलग से मेल ओपन करने के बाद अपनी मतलब डॉक्यूमेंट को ना लिखना पड़े, आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट लिखें और वहीं से आप उसे मेल भी कर दें, किसी के पास भेज भी दें. इट्स एन ऑप्शन. ओके, तो स्टार्ट विद द ऑप्शन. तो फर्स्ट ऑप्शन है कि फर्स्टली हमें क्या करना है. सबसे वेरी फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्टली यू हैव टू टाइप अ लेटर. आप एक लेटर टाइप करोगे, जैसे यहाँ पे लिखा है टू और स्पेसेस दिए हुए हैं. स्पेस में क्या दिया हुआ है, स्पेस दे रखे हैं. ठीक है, अगर आप गौर करेंगे टू के बाद उसने डियर कस्टमर, आवर शोरूम्स विल बी क्लोज ड्यू टू द रेनोवेशन फॉलोइंग डेट्स, ऑल द कस्टमर रिक्वेस्टेड नॉट टू कम टू दैट डेज. यानी एक तरीके से एक मॉल ओनर ने अपने सारे कस्टमर्स को ये मेल किया है, क्योंकि उसके पास रजिस्टर्ड कस्टमर होते हैं, उसने मेल किया है उन्हें. यानी एक डॉक्यूमेंट लिखा है कि अब उनके शोरूम्स जो हैं वो क्लोज रहेंगे रेनोवेशन की वजह से, दैट्स वाई आप ना मूव करें, ताकि क्योंकि आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो आपको प्रॉब्लम होंगी, दैट्स वाई. तो ये एक तरीके से फर्स्ट वर्क है कहीं ना कहीं मेलिंग का. तो ये क्लिक ऑन द मेलिंग टैब. यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, मेलिंग टैब आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, फर्स्ट ये आपका लेनिंग टैब पे मैंने कर रखा है पहले से ही. तो ये आपका मेलिंग टैब होता है. मेलिंग टैब के जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको मेल लिखना है. तो मेल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट मेल मर्ज. यानी हमने मेलिंग टैब पे क्लिक कर दिया, अब हम क्या करेंगे,
मेल मर्ज पे स्टार्ट क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, अगर गौर करेंगे मैंने एरो भी बना रखा है, ये एरो बना हुआ है सिर्फ स्टार्ट मेल मर्ज। जैसे ही आप स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे। मल्टीपल ऑप्शंस में आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में आप गौर करेंगे यहाँ पे लेबल्स और एनवेलप भी हैं, तो ये भी आपके मेल मर्ज का ही एक ऑप्शन है, मेल मर्ज में आपको शो हो सकता है। ओके, तो आप लोग गौर करेंगे, अभी मैं आपको सारे ऑप्शंस दिखाऊंगा इसी में, इसलिए पहले गौर करते रहिएगा कि कहाँ कहाँ हमें क्लिक करना है। दैट्स वाई आई हैव टू रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली एंड वेरी पेशेंशली, ठीक है। जल्दी से आप उसे मूव मत करिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें क्या है, देखो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, अब ऑप्शन दिखाना शुरू किए हैं मेल मर्ज पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देयर आर फाइव ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज़ लेटर, सेकंड वन इज़ ईमेल मैसेज, थर्ड वन इज़ एनवेलप, फोर्थ वन इज़ लेबल्स, फिफ्थ वन इज़ डायरेक्टरी, ओके, लास्ट वन इज़ नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इट्स डिपेंड ऑन यू एंड मी what document we are required. Like if we are required the letter, we can click on letters. We are required the email message, we can click on email message. Normally we have to require envelope for a document which we cannot to disclose everyone. For example, if you go to the marriage party, every time you give the money as a gift to the bride or groom in envelope, not to show the rupees in hand. You can understand what I am saying, okay? It means envelope is used to cover your document. Envelope is used to cover your main data to everyone, okay? Labels, you can see the labels on every product of everything. If you can see the product, like if you purchase a toffee or chocolate, so there is a label of Kit Kat or Dairy Milk. Just like that, if a document is regular, so you can use the label. Normal word document which you are write, which you are used to in word document, like you are just making a application to your principal, you are complaining to your house board members, your society members, so you can use a normal word document. So there are so many options to use the mail merge. Okay, go to the next slide. So after selecting the option, you can see here a dialog box is appear and then in the left corner you can see here, okay. There are also five options. First one is letter, second one is email address, third one is envelope, fourth one is label, and fifth one is directory means phone directory. Like you have so many names with contact number, with email address, maybe possible their home address also, so this is called the directory. So you can use the directory to mail. Every time you can use the directory for mailing purpose. Okay, so there are five options you can make it. Okay, go to the next slide. These five options you can understand. If there is any problem, you can message me or text me. Next, this is your dialog box which is appear the left side of the MS Word document. First one is letter, because you have to write a letter. That's why you have select the letter. Otherwise, if you want to write an email, you can select the option of email messages, like second option. If you want an envelope, like if you are making a wedding card, so you have a requirement of envelope. So you can make your envelope from the MS Word document. There is an option of envelope, third one is. So fourth one is labels. You can make the labels for the any product which you are going to launch. Directory, I have already said, you can make a directory, telephone directory, email directory, address directory, or can say so many persons which are doing work in your company, you can make the record like a directory. Okay, so you can make with the help of MS Word and with the help of feature of mail merge option where the directory option is available. Okay, go to the next page. Yahan pe bhi likha bhi hai, first click on the letters, then क्लिक ऑन स्टार्टिंग न्यू टाइम। हेयर इज द ऑप्शन, जब आप लेटर्स पे क्लिक कर लोगे यू हैव टू क्लिक हेयर, क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू। ओके, कहीं और नहीं जाना है, हेयर यू हैव टू क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएगा वो क्या करना है हेयर। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में यू हैव टू चूज द लिस्ट। ऐसी लिस्ट चूज करनी है जो कहीं ना कहीं, या ऐसा डॉक्यूमेंट चूज करना है जो कहीं ना कहीं या तो पहले से बना हुआ है या आपको बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पर फिर से मैं आता हूँ। You are the owner of a shopkeeper, okay? Retail shopkeeper. You have distributed the things, so many things, like you have a
एजेंसी ऑफ कैन से डेरी मिल्क, ओके यू हैव द एजेंसी ऑफ डेरी मिल्क, देयर आर सो मेनी चॉकलेट्स ऑफ डेरी मिल्क, यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड अ मैसेज टू एवरी योर रिटेलर, एवरी योर पर्सन, एवरी पर्सन शॉपकीपर दैट यू हैव नॉट द सफिशियंट अमाउंट ऑफ डेरी मिल्क 10 रुपीज चॉकलेट. सो वॉट विल यू डू, यू जस्ट मेक अ MS Word डॉक्यूमेंट एंड सेंड टू एवरी पर्सन. तो वो डॉक्यूमेंट आपका पहले से भी बना हो सकता है. यू कैन मेक दिस डॉक्यूमेंट ऑन MS Word राइट नाउ. सो देयर आर थ्री ऑप्शंस, यू कैन चेक, देयर आर थ्री ऑप्शंस. फर्स्ट वन इज यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट, जो आप लिख रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का यूज़ कर सकते हैं. स्टार्ट फ्रॉम द टेम्पलेट्स, आपने टेम्पलेट्स पहले से बना रखे हैं, यानी आपने स्टार्टिंग की है टेम्पलेट से. गुड मॉर्निंग एवरी वन, गुड आफ्टरनून एवरी वन, सत श्री अकाल, केम शो, सो मैनी एग्जाम्पल्स. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, इट मीन्स वो डॉक्यूमेंट्स आपके सिस्टम पे कहीं ना कहीं पड़ा होगा, यू कैन यूज़ दिस. ओके, तो देयर आर थ्री ऑप्शंस. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें सारी चीज़ें खुद बनाना सीखना है. तो फर्स्टली वी हैव टू क्लिक ऑन द यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट, और करेंट डॉक्यूमेंट के बाद हमें क्या करना है, आपको नीचे मैंने सर्कल बिगड़ रखा है, फिर भी मैं दोबारा दिखा देता हूँ. ये है, ये है. नेक्स्ट सेलेक्ट द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मीन्स जिसको आपको सारी चीज़ें भेजनी हैं. तो फर्स्टली यू हैव टू क्लिक ऑन द यूज़ करेंट डॉक्यूमेंट, आफ्टर यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हेयर रेसिपिएंट के भी तीन ऑप्शंस होते हैं. फर्स्ट वन इज यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिंक, आपने पहले से की लिस्ट बना के रखी हुई है. फर्स्ट ऑप्शन इज यूज़ द एग्जिस्टिंग लिंक, आपने पहले से लिस्ट बना के रखी है अपने रेसिपिएंट्स की, क्लिक ऑन इट, और उसमें से जितने रेसिपिएंट्स आपको चाहिए यू कैन क्लिक ऑन द रेसिपिएंट्स. सेकेंड है सेलेक्ट द आउटलुक कंटेंट. अब आउटलुक क्या होता है, आउटलुक इज़ द टूल ऑफ द MS ऑफिस फैमिली. ओके, जैसे एक तरीके से MS Word होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेल होता है, ऐसे ही आउटलुक एक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का ही एक मेलिंग कंटेंट है, जो कंपनीज में यूज़ किया जाता है बहुत सारे यूज़र्स के साथ. एग्जाम्पल के तौर पर आई एम द MD ऑफ अ कंपनी, जो कि मैं हूँ नहीं, पर मैं मान लेता हूँ कि मैं एक कंपनी का MD हूँ, और MD होने के बाद मैं सबको एक साथ एक ही मेल करना चाहता हूँ कि टुमारो इज़ द होलीडे. आई हैव टू ऑप्शन, फर्स्टली आई हैव टू गो टू द जीमेल ऑप्शन, सबके मैं ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करूँ और फिर मैं उसे भेजूँ. अदरवाइज आई हैव ए बेटर ऑप्शन ऑफ आउटलुक, आउटलुक में मैं एक मैसेज सेंड करूँगा, वो मैसेज ऑटोमेटिकली सबके पास सेंड हो जाएगा, सबके आउटलुक पे सेंड हो जाएगा. तो इट्स माय बेनिफिट कि मैं मेल पे किसी को कुछ सेंड करूँ, इससे अच्छा मैं आउटलुक पे सेंड कर दूँ, और ये ऑफिशियल भी होता है, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड. ओके, सेकेंड ऑप्शन इज एंड थर्ड ऑप्शन इज टाइप अ न्यू लिस्ट. टाइप अ न्यू लिस्ट, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं एक नई लिस्ट तैयार कर लूँ. सो दिस ऑप्शन इज बेटर बिकॉज आई हैव अ न्यू लर्नर, सो आई कैन ऑल्सो नीड टू नो हाउ टू मेक द लिस्ट इन MS Word. सो हेयर वी गो टू मेक द न्यू लिस्ट ऑफ द पर्सन, फॉर देम वी कैन सेंड द ईमेल. ओके, सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव टू नो, सो क्लिक. तो I have encircled the create option just because the create option is known for making the new list of the persons. So click on the create option, create new recipient. देखिए यहाँ पर लिखा भी है create new recipient list. So we can use the create option to make the list of new persons. So here we go to create the new person list. So there is a dialog box. You can see it is a dialog box where so many columns are available. First column is title, second one is first name, last name, company name, address line. But it is not necessary ki always we are required all these columns. Mean company name required, address line one required is always not necessary. Normally we can make a list with two or three columns like name, phone number, address, name, father name, phone number, name, father name, Aadhaar card number, etc. So it is my requirement how to make a new list. So here we go to make a new list to firstly. So firstly we have to delete all these columns. So how can we delete these columns? Here I can teach you. There are four options. Here you can see. Customize columns means you can delete the old columns, make new columns for your requirement. New entry means making new columns. Delete entry means delete the previous columns which is situated in your list, find to find a record. Okay, so there are four options which is used in the create list.
So how we can delete and create the list, I can teach you here in the next slide. Here, firstly we have to click on the customize column. When you click on the customize column, a dialog box or can say a column list will be appear. I can show you, it is. This is your column list, which column is behind this dialog box, these columns like titles. So first one is title, address line one, this is address line one. Last name I have already to show you in the previous slide, company name also previous slide, and all these columns, city, state, zip code, country, reasons, home phone, work phone, email address, etc. These columns are not required in my list. So why we can use this column? So we have to firstly we have to delete these all columns. So delete kaise karte hain? Click on the delete option. Firstly we have to select the column, click on title and click on delete. When you click on the delete option, what message will be show here? Are you sure you want to delete the find field title? Any information contained this field will be deleted as well. Okay, usne kaha kya ki, are you sure you are sure for delete this column? Yes, I am sure, just because tabhi to maine select kiya hai, pagal to hu nahi main. Okay, and any information contained this field will be deleted. Okay, bilkul main bilkul okay hu, kyunki usse mera kuch lena dena hi nahi hai, to uske andar jo bhi information ho, delete ho ya kho jaye, I don't care. Okay, so you can delete it. So you have to click on the yes. जैसे ही आप yes पे क्लिक करेंगे, आपका टाइटल कॉलम ऊपर से गायब. ओके, देख रहे हैं आप, अब आपका फर्स्ट कॉलम क्या है, फर्स्ट नेम. जस्ट लाइक दैट यू हैव टू डिलीट ऑल द ऑप्शन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एक्सेट्रा. जो भी आपको डिलीट करना है इसमें से आप डिलीट कर सकते हैं, जो भी आपको बचाना है आप उसमें से बचा सकते हैं. यू कैन लेफ्ट दिस कॉलम विच इज़ रिक्वायर्ड इन योर लिस्ट. ओके, तो फर्स्टली वी हैव टू डिलीट ऑल द कॉलम्स. तो मैंने क्या किया, सारे कॉलम्स को डिलीट कर दिया. अब मेरे पास कोई कॉलम नहीं है. ओके, जीरो कॉलम्स. सो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट टू एड न्यू कॉलम्स. तो फर्स्टली वी हैव टू क्लिक ऑन द एड ऑप्शन. द फर्स्ट ऑप्शन इज एड ऑप्शन. क्लिक ऑन द एड ऑप्शन, आपके सामने एक ऑप्शन, एक नई स्लाइड, एक नया डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा. टाइप द नेम ऑफ योर फील्ड. तो हेयर यू कैन टाइप योर नेम द फील्ड, और वो नेम कुछ भी हो सकता है, खुद नेम हो सकता है, आधार कार्ड नंबर हो सकता है, फादर नेम हो सकता है, सीरियल नंबर हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है. इट इज़ योर रिक्वायरमेंट, इट इज़ योर वे हाउ टू क्रिएट कॉलम्स और व्हाट कॉलम्स यू आर रिक्वायर्ड, यू कैन टाइप हियर. ओके, तो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हमने क्या कॉलम बनाया है. सॉरी, सो मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया है नेम का. ओके, सो मैंने नेम लिखा एंड क्लिक किस पे करना है मुझे, ओके पे. जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया तो क्या मिला मुझे, एक कॉलम तैयार हो गया नेम. सेकंड मैंने एड्रेस का भी बनाया है, ठीक है, ऐसी थर्ड में फादर नेम का, फोर्थ में फ़ोन नंबर का, फिफ्थ में ईमेल एड्रेस का. जो भी मेरी रिक्वायरमेंट में है मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लूँगा, और आफ्टर डेट में क्या करूँगा, क्लिक ऑन ओके हियर. जैसे आप इस ओके पे क्लिक करोगे, आप एक नया डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. अगर आप लोगों ने पीछे गौर किया तो देखो, सारे कॉलम पीछे के गायब हो गए, कुछ कॉलम नहीं है. स्टार्टिंग का नेम और एड्रेस, बस ये दो कॉलम रह गए. यही मेरी रिक्वायरमेंट है, अब मुझे नया कुछ भी नहीं चाहिए, मैं मोह माया की दुनिया से बाहर आ गया हूँ. क्लियर है? तो जैसे ही मैं मोह माया की दुनिया से बाहर आया, मेरा दिमाग काम करने लगा, नेम और एड्रेस हो गए, इट मीन्स मुझे यही तो चाहिए अपने सारे कस्टमर्स को भेजने के लिए. क्लिक किया मैंने, और नेम और एड्रेस के बाद मैंने क्या किया, न्यू एंट्री की. अब न्यू एंट्री में क्या है, न्यू एंट्री में मैं सबके नाम फिल करता हूँ, ठीक है, जितने भी कॉलम्स हैं इन सारी एंट्रीज़ को. अगर मान लीजिए यहाँ एक और कॉलम होता ना, आधार कार्ड, तो मुझे आधार कार्ड नंबर भी डालना पड़ता, मैं ब्लैंक कुछ नहीं छोड़ सकता. अगर ब्लैंक छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको मैसेज एरर देगा. चले, फर्स्ट वन इज़ संजय हारजा, एड्रेस क्या है इनका, कोलकाता. आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हो. ऐसे ही मैं तीन चार नाम लिख देता हूँ कुछ भी, ठीक है. यहाँ पे अमित हो गया, यहाँ पे अनिल हो गया, यहाँ पे दिव्या हो गई, यहाँ पे दिया हो गई, यहाँ पे पल्लवी हो गई, जो भी है. एड्रेस इनके क्या हो गए, ये आपके सहागंज में रहते हैं, ये आपके जौनपुर में रहते हैं, ये आपके लखनऊ में रहती हैं, ये आपके मुजफ्फरनगर रहते हैं, ये आपके मेरठ रहते हैं, ठीक है. तो ये आपके एड्रेसेस हो गए. तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या फिल करना चाहते हैं. तो एट लास्ट मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा क्या मिलेगा. तो इन्होंने चार एड्रेस फिल किए हैं, संजय, पलाश, आकाश एंड सोमनाथ. यू कैन सी ईजली, सबको दिखाई दे रहा होगा. उन्होंने एड्रेस डाले हैं कोलकाता, हुगली, नेहती और पलाशी. पता नहीं कहाँ हैं इस दुनिया में, पर हैं. कोलकाता पता है, हुगली भी पता है, नेहती और पलाशी मुझे नहीं पता कहाँ है.
ओके, सो जानना भी नहीं है, आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। तो ये सब फिल करने के बाद मुझे एट लास्ट क्या करना है, ये देखिए ये ओके, इस ओके पे क्लिक करना है। व्हेन यू क्लिक ऑन ओके योर लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, आपकी लिस्ट रेडी है यूज होने के लिए, एक तरीके से आपने अपनी लिस्ट बना ली है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन ओके एंड एंटर ऑल द रिकॉर्ड्स। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सारे रिकॉर्ड्स ऑलरेडी एंटर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अब इसको हमें क्या करना है, सेव करना है फाइल को। सेव करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आपका ये डेटा है ये एक एज अ डेटा बेस ट्रीट होता है, ठीक है। ये नॉर्मल वर्ड फाइल नहीं है, ये एक डेटा बेस है जो आपने अपनी एम एस वर्ड फाइल के लिए बनाया है। तो आपका जो एक्सटेंशन फाइल है वो बदल जाएगा, आपकी एक्सटेंशन फाइल अब क्या हो जाएगी, .mbd। ओके, .mbd का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, सॉरी MDBA, .mdb, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे हम इस फाइल को सेव करेंगे तो आप लोग गौर करेंगे आपके सारे रिकॉर्ड इसी से सेव हुए हैं, दिखाई दे रहा है, address.mdb। अब यहाँ पे address.mdb में सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो मैंने लिस्ट तैयार की थी ये सामने दिखाई दे रही है। डेटा सोर्स क्या है, MDB, MDB मीन्स माइक्रोसॉफ्ट डेटा बेस, और एड्रेस मीन्स ये आपकी फाइल का नाम है, एड्रेस फाइल, और ये आपका डेटा बेस का एक्सटेंशन है। शो नहीं हो रहा होगा, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये एड्रेस और जो .mdb है इसमें आपके एड्रेस फाइल नेम है और MDB आपका एक्सटेंशन फाइल है, ठीक है। और ये रिकॉर्ड आपने तैयार किया था तो अब हम इसका ही इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे भी छोटे छोटे ऑप्शन दे रखे हैं, शॉर्ट है, फिल्टर है, फाइंड डुप्लीकेशन है, फाइंड रेसिपिएंट्स हैं या वैलिडेट एड्रेस है, तो ये सारे ऑप्शंस भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, पर इतना डेप में अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स हैं पहले उसको हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब मैंने क्या किया, प्लेस एन अप्रोप्रिएट प्लेस। अब टू जो मैंने नेम और एड्रेस लिखे हैं, नेम और एड्रेस मैं यहाँ तो नहीं लिखूँगा ना, जाहिर सी बात है सबसे पहले ही मैं लिखूँगा टू, और टू में जाएगा ना, जैसे हम टू द प्रिंसिपल सर कॉमा लगाते हैं, फिर नीचे क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस क्या होता है, शिवरस इन चिल्ड्रन एकेडमी अर्गोपुर कलान, दिस इज़ द एड्रेस। नेम क्या हो गया, टू द प्रिंसिपल सर। अगर मैनेजमेंट को लिखेंगे, टू द मैनेजर सर, टू द हायर अथॉरिटी सर। तो दीज आर द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल, विच आर यूज आफ्टर द टू। तो यहाँ पे जो टू और ये दे रखा है, ये जो दो स्पेस छोड़े हैं मैंने इसी चीज़ के लिए छोड़ रखे थे, ताकि आप उसमें नेम और एड्रेस को फिल करेंगे। और नेम और एड्रेस हमें कहाँ से शो होगा, इंसर्ट मर्ज फील्ड, दिस वन, ओके। यही दो मैंने फील्ड बनाए थे ना, नेम और एड्रेस, ये यहाँ पे आ चुके हैं। इन नेम और एड्रेस की हेल्प से हम चार अलग अलग लेटर्स लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने चार रिकॉर्ड्स बनाए हैं ना, तो हम चार लोगों को लेटर्स लिखने जा रहे हैं। तो वी हैव टू क्लिक ऑन नेम एंड एड्रेस। जैसे ही मैं इन दोनों पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक चीज़ शो हो जाएगी, इंसर्ट मर्ज फील्ड। अभी उन्होंने मर्ज फील्ड को इंसर्ट नहीं किया है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा। ओके ओके, देयर यू कैन सी नेम एंड एड्रेस शो हो रहे हैं आपको, नेम एंड एड्रेस। तो नेम में आपके स्टार्टिंग में नेम आ जाएंगे और नीचे आ जाएगा आपका एड्रेस, सबको सेम लेटर जाएगा, बस चेंज क्या होंगे उनके, नेम और एड्रेस, नेम और एड्रेस, नेम और एड्रेस। यू कैन मेल योर नेम और एड्रेस फ्रॉम हेयर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कैसे क्या करना है इसमें। एट लास्ट जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो अब क्या है, नेक्स्ट राइट योर लेटर। अब इस लेटर में अगर आपको अपने कुछ और फंक्शंस बढ़ाने हैं, कुछ और लिखना है, तो यू कैन राइट हेयर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आई हैव फोर क्लाइंट्स, फ्रॉम फर्स्ट क्लाइंट इज़ फ्रॉम कोलकाता, सेकेंड क्लाइंट इज़ फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र, थर्ड क्लाइंट इज़ फ्रॉम गुजरात एंड फोर्थ क्लाइंट इज़ फ्रॉम बिहार। सो कैसे हम उसको ग्रीटिंग करेंगे, टू द, तो चलो एक फॉर्मल ग्रीटिंग हो ही गया है। एक होता है ना कि सबको उनकी लोकल लैंग्वेज में ग्रीटिंग कभी कभी ज़्यादा पसंद आता है, तो हम लोग क्या करेंगे कोलकाता में, क्या करेंगे, भलो माशी, ये एक वर्ड मुझे आज तक कोलकाता में याद हुआ है, रसगुल्ला टाइप का याद हुआ है, वो हम ग्रीटिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही हम गुजरात का जो हमारा क्लाइंट होगा उसके लिए क्या करेंगे, केम शो। तो दीज आर द वर्ड्स वी कैन यूज़, बिहार वाले बंदे को राम राम भैया जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, राम राम, का हलवा, एक्सेट्रा। तो बट दीज वर्ड्स आर द लोकल वर्ड्स विच यू कैन यूज़ इन योर लेटर टू प्रिटेंड, देन यू कैन कनेक्ट विद दैम लोकली,
तो इट इज़ योर चॉइस टू यूज़ दीज वर्ड्स और नॉट। तो यहाँ पे लास्ट में लिखा है राइट योर लेटर। राइट योर लेटर का मतलब है अपने लेटर को आप कंप्लीट कर सकते हैं, आप उसमें कुछ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अपने एड्रेस को ब्रैकेट में कुछ भी लिख सकते हैं। तो एट लास्ट आपका जो लास्ट स्टेप है वो यही है, ठीक है। इन द फोर्थ स्टेप यू हैव टू क्लिक नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर। आपने अपने लेटर लिख लिए, कंप्लीट कर लिया, आपने नीचे अपना नाम वोम सब डाल दिया है, ऊपर अपने एड्रेस और नेम डाल रखा है, अब प्रीव्यू करना है। भाई किसी भी चीज़ को प्रिंट करने से पहले भी तो हम प्रीव्यू करते हैं, यानी उसके पहले का व्यू कैसा आ रहा है। पता चला कि मैंने प्रिंट दिया, आधा मेरा लेटर का ही कट गया, आधा मेरा लेटर नहीं आया। सो व्हाट इज़ द बेनिफिट टू सेंड अ लेटर टू द पर्सन कि वो उसका प्रिंट आउट ही ना ले पाए। दैट्स वाई वी हैव टू शो द प्रीव्यू ऑफ माई लेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीव्यू देखेंगे। नेक्स्ट में हम क्या है, फिफ्थ में कंप्लीट द मर्ज। अब आप मर्ज का ऑप्शन यहाँ पे ये है कि आप उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप उसमें जोड़ सकते हैं, कंप्लीट द मर्ज, ठीक है। एट लास्ट आपको बस यही करना है कि आपको इस लेटर को जोड़ देना है। जैसे आप ये लेटर जोड़ देंगे, इसमें कुछ और ऑप्शंस आएंगे तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। ये आपकी एक तरीके से अल्टरनेट ऑप्शन है, अदरवाइज़ आप इतना नॉर्मली लेटर भी भेजेंगे तो चलेगा, कोई ऑप्शन कोई टेंशन नहीं है। एट लास्ट हमें क्या करना है, एडिट द इंडिविजुअल लेटर। अब मतलब मैंने चार पर्सन को लेटर लिखा है तो चार पर्सन के अलग अलग लेटर्स अगर मुझे चेक करने हैं तो आई कैन सी दिस लेटर एडिट द इंडिविजुअल लेटर के ऑप्शन से। ओके, यहाँ आपको अगर शो हो रहा होगा तो मैं आपको दिखाऊँ, एडिट अ इंडिविजुअल लेटर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। प्रिंट का भी ऑप्शन आता है ऊपर कि आप अपने लेटर्स को प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन प्रिंट निकालने से पहले भी हमें क्या करना पड़ता है, प्रीव्यू देखना पड़ता है। तो वी कैन चेक हेयर, वी कैन एडिट अवर लेटर, वी कैन चेक अवर लेटर की कोई मिस्टेक तो नहीं है। एट लास्ट हमें क्या करना है, ऑल, यानी अगर मुझे सारे लेटर्स देखने हैं तो ऑल, या मुझे एक डिटेलिंग में देखने हैं कि फर्स्ट लेटर देखना है, फिफ्थ लेटर देखना है और सेवन्थ लेटर देखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक डाल सकता हूँ, ठीक है। करंट रिकॉर्ड में फ्रॉम फर्स्ट टू सिक्स देखना है, फर्स्ट टू सेकेंड टू फिफ्थ देखना है, सेकेंड टू एट्थ देखना है, तो वी कैन यूज़ दिस ऑप्शन। ये देखो फ्रॉम का ऑप्शन दे रखा है, फ्रॉम इतने, मैंने कहा कि 10 से लेकर 20 तक के मुझे लेटर दिखाओ, 120 तक के दिखाओ, चलो अच्छे, तो सारे लेटर्स वो मुझे शो कर देगा। ओके, अदरवाइज ऑल दिखाएंगे तो सारे लेटर। अब मेरे पास चार रिकॉर्ड थे तो मेरे को चार लेटर शो करने चाहिए, तो हियर एट लास्ट दीज आर द फोर लेटर्स। ओके, फर्स्ट वन, सेकेंड वन और थर्ड वन, फोर्थ वन नीचे चले गए हैं, ठीक है। ये थर्ड है, ये थर्ड है आपका लेटर और ये फोर्थ है। मैंने चार ही रिकॉर्ड आपको दिखाए थे ना, तो ये चारों लेटर्स आपके सामने हैं। ये थोड़े से विजिबल सही नहीं होंगे, मे बी पॉसिबल, लेकिन उसका कंटेंट मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, वो चारों रिकॉर्ड मैं आपको दिखा चुका हूँ, वो लेटर्स क्या होंगे वो भी दिखा चुका हूँ। तो वो चारों के ऑप्शंस आपको ये हैं कि ये चार लेटर हैं, अगर ज़्यादा होते तो ज़्यादा भी शो करते। और ये कुछ इस फॉर्मेट में नहीं है, ये अलग मतलब आपको बिल्कुल एक अच्छे फॉर्मेट में एम एस वर्ड में दिखाएगा वो चारों लेटर्स कि ये आपके चार लेटर हैं, आप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर मेल मर्ज ऑप्शन। और एक तरीके से आपके एम एस वर्ड अकॉर्डिंग टू योर बुक 9th and 10th आपका एम एस वर्ड फिनिश होता है, आपके सारे टॉपिक्स इन चार पॉइंट्स में फिनिश हो गए। पर डोंट वरी, आपके इसमें दो मेन पॉइंट अभी बचे हुए हैं, रिव्यू एंड व्यू। वो मैं आपको बाद में एक वीडियो लॉन्च करूँगा, उन दोनों में मैं आपको रिव्यू और व्यू सिखाऊँगा, तो आप टेंशन ना लें। आपका जितना सिलेबस है उससे कहीं ज़्यादा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, सो डोंट टेक टेंशन ज़रा सा भी। ओके, जब तक हम हैं तब तक क्या गम है। सो फिनिश हो गया, ये लगभग सारे फिनिश हो चुके हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आया हो, कुछ पूछना हो, गुफ्तगू करनी हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, बाकी किसी को अगर कुछ टेंशन हो रही हो, कुछ प्रीवियस का पूछना हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, आपको कुछ नया पूछना हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, ऑलवेज आई एम देयर फॉर यू। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, अनिल कुमार सिंह अगेन। ख्याल रखिए आप अपना, सभी का, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों का, कोरोना से बचे रहिए, अपने आप को सेफ रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अनिल कुमार शो। थैंक यू ऑल।